हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ बिंदी एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये पेपर। इसके लिए मैं जो है रेड और येलो पेपर जो है ये यूज़ करूँगी, फेविकॉल। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिंदी, अलग अलग कलर्स वाले। और इसके साथ है ये इरेजर, पेंसिल, स्केल और कुछ कलर पेंसिल्स रखा है मैंने, जिनको मैं काम में लगाऊंगी इस पर। सो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये एक्टिविटी हम कैसे बनाएंगे। ये एक्चुअली गाइस है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि बच्चों को मल्टीप्लाई जो है समझने में बहुत दिक्कत होती है। सो मैं इसको इजी वे में आपको समझाऊंगी, और ये आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, दिखा सकते हो। इससे आपके बच्चे बहुत ही झटपट से सीख जाएंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सो गाइस, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरा चैनल आज पहली बार देख रहे हो, सो सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, अच्छा लगे, सो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कुछ इस तरह से लाइन खींच लिया है पहले, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है मैंने जो है पेपर कटिंग कर लिया है, और मैं आपको दिखा रही हूँ इसे किस तरह से चिपकाना है इस पर। और ये जो है मैं बना रही हूँ स्टैंडर्ड 3 के लिए, स्टैंडर्ड 3 में है। सो मैं उसके लिए बना रही हूँ एक्टिविटी वर्क। सो मैंने सोचा कि उन्हें मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, ताकि आपके घर में भी अगर बच्चे हो तो आप उनको भी इस तरह से सिखा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, अब मैं इस पर जो है बिंदी चिपकाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास एक ही कलर के बिंदी है तो आप एक कलर का चिपका सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 3-4 तरह के अलग अलग बिंदियाँ लिए हुए हैं, ताकि थोड़ा सा कलरफुल लगे ये। और ये श्रेयांश जो है इस पर लिख रहा है, क्योंकि उसे इस पर क्लास वर्क और डेट लिखना था, तो मैंने कहा है कि आप लिखो इसे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा जो मल्टीप्लाई जो है 3 × 4 = 12 ये रेडी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो कैसा लगा आपको जरूर बताइए, अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप इस तरह से पढ़ा सकते हो उन्हें ताकि उनको समझने में दिक्कत ना हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही।